हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ट्रेंडी स्लीव्स के बारे में जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, जो है हमारी पफ स्लीव्स। तो यहाँ पे देखिए, हम इसका पफ बहुत ही अच्छा आए इसकी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपको कपड़े को अपने फोर फोल्ड करके रख लेना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे कपड़े को फोर फोल्ड करके रखा है। आप अपने आर्म होल के अकॉर्डिंग, जैसे आप नॉर्मल स्लीव बनाते हैं उस तरह से आपको कपड़े को लेना है। तो इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पे मैंने 21 इंच ली है, और चौड़ाई जैसे कि आपने देखा मैंने यहाँ पे 10 इंच ली है। तो जैसे हमारी नॉर्मल स्लीव्स आप यहाँ पे 11 इंच की बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए 10 से 11 इंच की आपको जितनी बनानी हो उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं रेडी अपने जो हमारी स्लीव्स की लंबाई होगी वो मैं यहाँ पे 10 इंच रखूँगी। 1 इंच हम यहाँ पे नीचे फोल्डिंग के लिए ले रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ 5 to 7 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आप 5 इंच भी ले सकते हैं, 7 इंच ले सकते हैं, अपने कपड़े के अकॉर्डिंग लेना है आपको, जितना आपके पास कपड़ा हो। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास कपड़ा ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ। और अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो आपका पफ और भी ज़्यादा अच्छा आएगा और वॉल्यूम और ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ऊपर से यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगा लिया। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो 2 से 2.5 इंच हम नीचे की तरफ लेंगे। यहाँ पर जो हम कर्व देते हैं उसके लिए हम ले रहे हैं। तो आपको जैसे हम यहाँ पे नॉर्मल स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करते हैं, सेम वही मेथड से आपको नीचे की स्लीव्स पे ड्राफ्टिंग करना है। ऊपर के मार्क से अभी आपको कोई भी मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पे कर्व देते हुए नॉर्मल स्लीव्स की यहाँ पे कटिंग कर लेंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पे ऊपर निशान लगाया है, इस निशान को नीचे तक मिलाना है हमको। तो यहाँ पे आपको आस्तीन का जैसे हमने यहाँ पे कर्व शेप दिया है, सेम उसी तरह आपको नीचे तक इसको लेते हुए चले जाना है। तो इस तरह से आपका ये यहाँ पे पफ स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हो जाएगी। ये देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इस तरह से आपको कर्व लगाना है और आपके यहाँ पे देखिए पफ बनके तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे जितनी भी आपको अपनी स्लीव्स की आपकी चौड़ाई हो उतना आप यहाँ पे ले लीजिए, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, 1 से 1.5 इंच। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है और इस निशान को हम यहाँ पर सीधा मिला देंगे। जो नेट की स्लीव्स हम बनाते हैं उसमें ज़्यादा हम यहाँ पर मार्जिन नहीं रखते हैं, क्योंकि नेट में दिखने लगता है, इस वजह से आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना होता है। तो अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए बीच एक सेंटर पे भी निशान लगा देना है, जिससे आपको सेंटर की मार्किंग के लिए बार बार आपको परेशान नहीं होना पड़े। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दोनों स्लीव्स को पकड़ के यहाँ पे सेंटर पे मार्किंग कर दी है। और जहाँ से हमने नॉर्मल स्लीव्स की हमारी कटिंग थी वहाँ से हमने यहाँ पे एक निशान लगा दिया है, जो हमारा यहाँ से 7 इंच कपड़ा हमारा ऊपर की तरफ है। तो आपको यहाँ पर यहाँ तक आपको पफ बनाना होगा, मतलब यहाँ तक आप प्लीट डाल सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह पकड़ के एक मार्क हम यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ तक अपनी स्लीव्स में पफ लगाना होगा, मतलब प्लीट डालनी होगी। तो यहाँ पे देखिए, अब हम एक स्लीव्स लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सेंटर पे आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, ये गोल्डन कलर का कपड़ा है क्योंकि, तो इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं मार्कर से यहाँ पर कर दे रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरह से आपको प्लीट डालनी है। तो यहाँ पे देखिए, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट सेंटर से, बीच सेंटर से आपको एक दूसरे से जस्ट अपोजिट स्लीव डालनी है, प्लेट डालनी है। तो इस तरह से आप जितनी भी आप प्लेट डाल सकते हैं अपने कपड़े के अकॉर्डिंग, उतनी प्लीट आपको डालनी है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा बड़ी बड़ी प्लीट नहीं लेनी है, छोटी छोटी सी प्लीट लेनी है, और इस तरह से करके आपको पूरे पे यहाँ पर सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरह से प्लीट डालते हुए सिलाई लगा ली है। और अब आपको इसको अपने उस पर अटैच करना है, अपने ब्लाउज़ में या फिर कुर्ती में। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे शोल्डर ले लेंगे, शोल्डर का मिडल पॉइंट ले लेंगे, और यहाँ पे अपनी स्लीव्स का सेंटर से रखेंगे और शोल्डर से यहाँ से अटैच करते हुए पूरे पे हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से आपको पूरे पे यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। और यहाँ से आप पिनअप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से आप पीस सेंटर से पिनअप कर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे पूरे पीस को अटैच कर लीजिए। तो जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स को अटैच करते हैं, सेम उसी मेथड से आपको पूरे में इसको अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम इसको अटैच कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, और जो ये हमारा कपड़ा है, मार्जिन जो हमने लिया है वो देखिए यहाँ पर
आस्तीन में हमारा ये बाहर की तरफ दिख रहा है, तो अब हम इसे अंदर की तरफ करेंगे। तो इसका मेथड मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से आपको जितना भी मार्जिन है उसे अंदर की तरफ लेते हुए यहाँ पे आपको सिलाई लगा देनी है किनारे से। तो वो मैं आपको अभी लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट साइड से आपको मशीन चलानी है, तो क्योंकि आपको फ्रंट साइड से दिखता भी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम यहाँ पे पूरे पे यहाँ पे सिलाई लगा देंगे और जितना भी मार्जिन है वो हमारा अंदर की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और यहाँ पे देखिए जो हमारा नेट था वो देखिए कितना क्लीन लग रहा है और जितना भी मार्जिन है वो मैंने अंदर की तरफ कर दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे की तरफ जो हमारा ये बॉटम है इसको फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे आपको फिटिंग की सिलाई लगा देनी है और आपकी स्लीव्स बिल्कुल कम्प्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बॉटम फोल्ड करते हैं। जब भी आप नेट के कपड़े में बॉटम को फोल्ड करें तो आप थोड़ा उसे खींचते हुए करें, नहीं तो आपका झोल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बॉटम को फोल्ड कर दिया है और अब हम यहाँ पे फाइनली साइड में सिलाई लगा लेंगे। जो आपका फिटिंग का मार्जिन हो उसको लेते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है और नेट हमारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम यहाँ पे उसे कट कर देंगे, क्योंकि हम नेट पे ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारी सीरीज बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा ये नेट का कपड़ा था इसलिए आपको इसका वॉल्यूम समझ में नहीं आ रहा है पक्का, लेकिन जब हम इसे पहनेंगे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम आएगा और आपका ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ये स्लीव्स आप इसे लहंगे के ब्लाउज के साथ, सूट के साथ, ब्लाउज के साथ, किसी के साथ भी कैरी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है और कम कपड़े में बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा ये पफ हमारा बन के तैयार हुआ है। तो मैं इसको आपको बता नहीं सकती कि कितना अच्छा वॉल्यूम आएगा, क्योंकि आप जब इसे पहनेंगे नेट को जब हम पहनते हैं तभी अच्छा लगता है। और यहाँ पे आप अपने किसी भी साड़ी के ब्लाउज को आप एक डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं उसको, एक बहुत ही अच्छी स्लीव्स के साथ। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।